रुक करते हैं विस्तार से गतिविधियों की ओर। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता प्रेम कौशल ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर तीखा हमला बोला है। प्रेम कौशल ने पत्रकार वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री को एचआरटीसी के द्वारा इलेक्ट्रिकल गाड़ी भेंट करने पर इसे अप्रत्यक्ष घूस करार दिया है। कौशल ने एचआरटीसी विभाग को घेरते हुए कहा कि ऐसा क्या मजबूरी थी कि एचआरटीसी विभाग ने मुख्यमंत्री को गाड़ी भेंट की है, और अगर मुख्यमंत्री पर्यावरण प्रेमी हैं तो जीएडी ने खुद गाड़ी क्यों नहीं खरीदी। हिमाचल प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं द्वारा सोशल मीडिया में, उसके बाद प्रिंट मीडिया में, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सरकार तो कुछ विभागों में भ्रष्टाचार को लेकर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आरोप लगाया, और दुर्भाग्य की बात यह है कि प्रदेश सरकार का स्वास्थ्य विभाग और प्रदेश सरकार बजाय जो आरोप लगाए गए हैं, और वो भी उनकी अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा, उनकी जांच करवाने के सरकार के जो विभाग हैं, सरकार के जो अधिकारी हैं, वो उन आरोपों का बचाव कर उनको गलत ठहरा रहे। अब जिस विभाग के ऊपर आरोप है, जिस सरकार के ऊपर आरोप है, मेरे ऊपर आरोप है और मैं खुद ही उनको रिजेक्ट कर दूं कि ये गलत है, ये कहाँ का न्याय है, ये कहाँ की एक प्रशासनिक प्रक्रिया है। कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है कि जो आरोप भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ही भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के सरकारी विभागों के ऊपर लगाए हैं, उनकी जांच कराएं किसी एजेंसी से, और वो एजेंसी जांच करने के उपरांत किसी नतीजे पे आए, ताकि जो सच है दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। मेरे और उनकी को गाड़ी भेंट लेने की आवश्यकता क्या पड़ी, वो भी एक सरकारी कॉरपोरेशन से जो घाटे में चल रही है, और कॉरपोरेशन को ऐसी क्या आवश्यकता थी कि वो मुख्यमंत्री को गाड़ी भेंट करते। मुख्यमंत्री को अगर इलेक्ट्रॉनिक कार में सफर करना है, पर्यावरण प्रेमी है, अच्छी बात है, स्वागत है उसका, और जो पर्यावरण की चिंता करता है उसी बात का स्वागत है, लेकिन अगर उनको ऐसी गाड़ी में घूमना था तो सरकार उसको परचेज कर सकती है, उसमें क्या दिक्कत है। जीएडी उसको परचेज करती है मुख्यमंत्री के लिए, कौन उस पर चिंता था। लेकिन इसके बीच में कहीं ना कहीं रोजगार में जिसको कहते हैं काला है, ये अप्रत्यक्ष घूस जिसको बोलते हैं, एक तरह से मैं उसको ये कह सकता हूँ कि ये अप्रत्यक्ष घूस है। प्रदेश के हित जो उनकी कॉस्ट नहीं होगी। पहली बात इस संदर्भ में मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक तरफ तो पूरे देश के अंदर आज एक अभूतपूर्व आर्थिक मंदी का दौर चल रहा है, आर्थिक संकट से आज देश जूझ रहा है। इस सरकार की, केंद्र सरकार की जो नासमझी है, केंद्र सरकार की जो एक जो इकॉनमी है उसको समझने वाले लोग जो सरकार के पास नहीं है, और केंद्र सरकार की जो खाली एक राजनीतिक फैसले लेने की जो कार्यप्रणाली है, उसकी वजह से आज देश एक भयंकर आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है। जो देश के अंदर बड़े, मीडियम और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है वो बंद हो रही है। आज आप देखते हैं जिन लोगों को प्राइवेट सेक्टर में रोजगार मिला है उनकी रिट्रेंचमेंट हो गई है। आज कोई ऐसा उद्योग नहीं है, विशेषकर ऑटोमोबाइल्स में तो भयंकर जिसको कहते हैं मंदी का दौर है वो चल रहा है, और एक तरफ जो उद्योग लगे हैं बंद हो रहे हैं, आर्थिक मंदी के चलते रोजगार छीन रहे हैं, और आप इन्वेस्टर्स को बुला रहे हो। ऐसे दौर में कौन से इन्वेस्टर जाने वाले हैं आपके पास? नरेंद्र मोदी जी ने पूरा विश्व घूम लिया इन्वेस्टर्स को लाने के लिए, वो सैर सपाटे तक सीमित रहे। कोई ऐसे जब देश के आर्थिक हालात इतने विकट हों, ऐसे हालात में कौन आके जो है वो इन्वेस्ट करना चाहेगा, कौन इन्वेस्ट करेगा? और दूसरी बात एक और मैं कहना चाहता हूँ इसमें,